हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान। और आज के इस वीडियो में अगर आप जो है गूगल फाइल्स जो एप्लीकेशन होती है उसमें जो है सेव फोल्डर ऑप्शन आता है, उसमें अगर आप जो है अपने फ़ोटो वीडियो को हाइड करके रखते हैं तो उसके पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे पता कर सकते हैं, या फिर अपने पासवर्ड है उनको चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे बिना कुछ डिलीट करें। आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आप जो है अपने जो गूगल फाइल्स जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर जो सेव फोल्डर आता है उसके पासवर्ड बदल सकते या पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि गूगल फाइल्स में जो है सेव फोल्डर कहाँ पे रहता है, सबसे पहले तो मैं गूगल फाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस जो है मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव फोल्डर का, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तो आपको जो है पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था जिसके जरिए आप पासवर्ड पता कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है पासवर्ड पता करने के लिए या फिर फॉरवर्ड करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो पहले तो आपको करना है, अगर पता करना है तो अगर आपने जो है अपने पासवर्ड क्रिएट करें उस टाइम पर अगर आपने पासवर्ड जो है सेव करें गाइज जिसमें जो है क्रोम में जहाँ से, तो मैं बता देता हूँ अगर वहाँ पर देखने को मिल जाए तो। जैसे कि आप जो है यहाँ पर जाएंगे, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, थ्री डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मैनेजर में चले जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर सेव करें हैं सेव फोल्डर के नाम से या फिर फाइल के नाम से तो देख लें आप यहाँ पर, और अगर नहीं करें तो फिर आपको अगर कभी बाय चांस अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस का आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करके साइट का नेम यहाँ लिख सकते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ डाल के और सेव पे क्लिक कर दें ताकि कभी भी आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से, अगर आपको देखने को मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो आपको चेंज करने होंगे, फिर यहाँ से देख नहीं सकते आप। कोई सा भी वो नहीं है जिसके जरिए आप देख सकते हैं। फिर आपको करना है चेंज करने के लिए, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है सबसे पहले, तो गूगल फाइल्स जो एप्लीकेशन होती है गूगल फाइल्स, और इस एप्लीकेशन को अगर आपके अपडेट मांग रहा हो तो आप अपडेट कर लें क्योंकि मैंने अपडेट कर लिया है, और अगर आपके अपडेट मांग रहा हो तो आप इसको अपडेट कर लें। एंड अपडेट करने के बाद कैसे पता करेंगे कैसे चेंज करने के लिए क्या करना है, गूगल फाइल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगर सेव फोल्डर पर जाते तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आता, अगर आप थ्री डॉट में क्लिक करते तो यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा सेव फोल्डर यहाँ से, लेकिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब चेंज करने के लिए क्या करना है, थ्री लाइन जो देखने को मिलती है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग में चले जाएंगे। एंड जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेव फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, चेंज लॉक रिसेट सेव फोल्डर। चेंज लॉक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको करंट पासवर्ड डालने होंगे, उसके बाद दूसरे पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन रिसेट फोल्डर पे क्लिक करेंगे रिसेट सेव फोल्डर पे तो यहाँ पर आएगा ऑल फाइल्स से इन सेव फोल्डर विल बी परमानेंटली डिलीटेड, यू विल लॉस ऑल फाइल्स करंटली इन सेव फोल्डर एनी यूर लॉक विल रिसेट। आपका जो लॉक है वो रिसेट हो जाएगा लेकिन आपकी सारी फाइल से यहाँ पर डिलीट हो जाएगी, तो इनका ये कहना है। तो आप जो है बिना कुछ डिलीट करें तो नहीं कर सकते, आपको यहाँ से जो है आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो जाएगी। देख लेते हैं होती नहीं होती है वो भी। तो रिसेट पे क्लिक करा, तो रिसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैं सेव फोल्डर पे जाता हूँ तो यहाँ पर जो है चूज ए लॉक का ऑप्शन आता है पिन और पैटर्न न्यू क्रिएट करने का, लेकिन जो है आपके पहले की वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर थ्री लाइन में क्लिक करके ट्रेस में क्लिक करके एक बार देख लें कि यहाँ से जो है वो डिलीट हुई जो यहाँ पर आ सकती है, एंड यहाँ से वापस जो है इनको वापस आप उसमें सेव कर सकते हैं। तो इसे जो है आप सेव भी कर सकते हैं और अपने लॉक है जो यहाँ से सेव फोल्डर पे क्लिक करें और दोबारा जो है पासवर्ड को आप यहाँ से सेव फोल्डर पे जाके पिन या पैटर्न जो भी लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके ऐड कर लेंगे पासवर्ड। तो ऐसे आप जो है पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और अपने कुछ भी डिलीट नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।